हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल संडीले आप सभी का आज सुबह सुबह एक छोटे से मोटिवेशन सेशन के साथ आपका स्वागत करता हूँ। ये कोई पढ़ाई की क्लास नहीं है, लेकिन ये क्लास जो है पढ़ाई की क्लास से भी बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एक मोटिवेशन लेवल अगर आपका नहीं बना रहता है तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो आपको एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ मैं, और ये स्टोरी बहुत बहुत ही फेमस स्टोरी है, और एक कविता है जिसका नाम है नहुष का पतन। इसके अंदर मैं कुछ आपको पंक्तियां बताने वाला हूँ जो नहुष का पतन नाम की एक कविता से उठाए गए हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। हिंदी के विद्वान प्रख्यात फेमस कवि है जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो इनकी एक कविता है नहुष का पतन। आप इस कविता को, इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील होने वाला, देखना। देखिए, सबसे पहले हमारा मैसेज है कि गिर के फिर उठ खड़ा होना जरूरी है। हाँ, मान लिया हमें ठोकर लगेगी, रास्ते में अड़चने आएगी और हमें बहुत सारी ठोकरें लगने वाली है, हमें असफलता के बहुत सारे पड़ाव मिलने वाले हैं, लेकिन उसकी वजह से जब हम गिर जाते हैं, जब हमारा मनोबल गिर जाता है, तो फिर से उठ खड़ा होना बहुत जरूरी होता है, और जिंदगी हमें फिर से हमें उठ खड़ा होने का मौका देती है। तो आप सभी को भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि कभी एग्जाम दिया है तो आपको सफलता नहीं मिली है, ठीक है, कभी आपने बहुत एक्सपेक्ट किया होगा, बहुत तैयारी की होगी और आपने सफलता नहीं मिली होगी, बिल्कुल किनारे पर जाकर आप बैठ गए होंगे, रह गए होंगे, तो बड़ा फील होता है उस चीज में। लेकिन फिर से आपको, देखिए, गिरना कोई बुरी बात नहीं, गिरिए, गिर गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से खड़ा होना बहुत जरूरी है, फिर से उठ खड़ा होना उतने ही साहस के साथ बहुत जरूरी है। ये स्टोरी है एक किंग की जिसका नाम है नहुष। नहुष एक पौराणिक समय का एक राजा है जिसको बहुत धर्म के मार्ग पर चलने वाला, जिस राजा से उसकी प्रजा बहुत खुश थी। तो इसे राजा को माना जाता था कि धरती पर स्वर्ग के राजा की तरह से शासन करता है। तो इसी वजह से एक बार ऐसी घटना होती है कि इंद्र अपने आसन को छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो वो एक राक्षस की हत्या करता है जो कि ब्रह्म राक्षस होता है, ब्राह्मण राक्षस होता है। तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से प्रायश्चित के लिए वो तप करने चला जाता है, तो इंद्र आसन वो खाली हो जाता है। तो सभी देवता सोचते हैं कि किसे इंद्रासन पर बैठाया जाए, क्योंकि पूरा संसार के जो नियम है, सारी चीजों को संभालना बहुत जरूरी है, वरना बारिश भी होनी है, मौसम भी बदलना है, सारी चीजों को संभालना और देवताओं का नेतृत्व भी करना जो है किसी को सौंपना जरूरी है। तो इस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी को इंद्रासन देना बहुत जरूरी है। तो सभी का सजेशन आता है एक ऐसे राजा का जो कि धरती पर राज कर रहा होता है, जिसका नाम है नहुष। नहुष के साथ इसके काबिलियत के हिसाब से भी और इसके जो इसका जो फीडबैक था उसके हिसाब से इससे जनता भी खुश थी और देवता भी खुश थे, एक अच्छी छवि बनी हुई थी। और नहुष के साथ शिव और पार्वती की पुत्री की शादी भी हो रखी थी, जिसका नाम था अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी जो शिव और पार्वती की पुत्री है, उसकी शादी भी इसके गुणों को देखकर इसके साथ कर दी गई थी। अब नहुष को इंद्रासन का, देखिए, जब इंद्रासन देने के लिए उनसे बात होती है तो वो बहुत पोलाइटली मना करते हैं कि नहीं, मैं जो है इसके योग्य नहीं हूँ और मैं इतने बड़े पद का जो है लालची में नहीं हूँ। तो और भी इससे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन सभी देवताओं की रिक्वेस्ट होती है, देवताओं के गुरु भी कहते हैं कि आप प्लीज इसको ले लीजिए। अब देखिए क्या होता है, इंद्रासन पर जो वो जाके बैठ जाता है, सारी व्यवस्था को संभालने लगता है, स्वर्ग के ठाट बाट को जब भोगने लगता है तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और वो अपना जो उसका जो पोलाइट नेचर था, जो सिंप्लिसिटी की जो भावना थी, वो पोलाइट नेचर खत्म हो जाता है और उसके सिर पर घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, ठीक है, तो वो भोग विलास में खो जाता है। अब यहाँ पर उसको कोई सजेशन करता है कि अगर इंद्रासन आपका है तो इंद्राणी भी आपकी ही होनी चाहिए, तो उसको ये बात बहुत ठीक लगती है। तो वो इंद्राणी से कहता है कि क्योंकि अब मैं इंद्र का पद ले चुका हूं तो आप भी मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो इंद्राणी जो कि बहुत अपने पति की पतिव्रता थी, वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं संभव है। वो बहुत ज्यादा उसको जो है इंसिस्ट करता है, तो इंद्राणी परेशान हो जाती है और देवताओं के गुरु से और बाकी सभी से मंत्रणा करती है कि ये योग्य व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जो अपने सदाचार पर नहीं रह सकता, तो इसकी योग्यता पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो अब वो लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, अगर वो आपसे ऐसे निवेदन करता है तो उनसे कहिए कि आप पृथ्वी से, धरती से स्वर्ग तक जो सप्त ऋषि है, जो बहुत ज्यादा माने जाने माने ऋषि है, सप्त ऋषि, उनके कंधों पर पालकी में बैठ के आइए। स्वर्ग, धरती से स्वर्ग पे आना है और इन सप्तऋषियों के कंधों पर पालकी लेके आनी है, उसमें आप बैठ के आना।
तो ये कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो ये सप्तऋषि के पास जाता है। सप्तऋषि क्योंकि ये इंद्रासन पे बैठ गया था, तो सप्तऋषि पहले तो कहते हैं कि हम तो तपस्या करते हैं, हमारा शरीर इतना मजबूत नहीं है कि हम आपको इतनी दूर तक लेके जा सके। फिर भी एक उनसे रिक्वेस्ट करता है, तो सप्तऋषि ये सोच के कि देवताओं के राजा है, इंद्रासन पर बैठे हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं। अब वो सारे तपस्या से उनका शरीर इतना वीक हो चुका था कि उनमें इतना सक्षम नहीं थे वो, तो वो धीरे धीरे चलते हैं। जब जो धीरे धीरे चलते हैं तो नहुष को बड़ा अधीर सा हो जाता है। ठीक है, वो अपने सारे सारे गुणों को खोता जा रहा था, अधीर हो गया, और वो कहते हैं कि ये भी कोई चलना है, ऐसे तो कोई भी ना चल ले, घोड़े की तरह तुम बीच बीच में अड़ जाते हो। मतलब उसका बोलने का तरीका भी बदलता जा रहा था कि जैसे घोड़ा बीच में अड़ जाता है, तुम तो अड़ियल घोड़े बन गए हो। और सप्तऋषियों के जब कंधे दुखने लग जाते थे तो एक कंधे से दूसरे कंधे पर पालकी रखने की कोशिश करते थे, जैसे बाएं कंधे पर थे तो दाएं कंधे पर लेने की कोशिश करते तो रुक जाते थे, तो उसको बड़ा बुरा लगता था। तो वो गुस्से में क्या करता है, एक सप्तऋषि को पैर मार देता है गुस्से में कि चल क्यों नहीं रहे हो, इतना लेट क्यों कर रहे हो। बस यहीं पर सप्तऋषि जो होते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है और वो अपना आपको अपमानित महसूस करते हैं और उसको श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम सर्प की योनि में चले जाओ, सांप की, तुम्हारा पैर मुझे मेरे शरीर पर ऐसे लगा है जैसे कि सांप ने काट लिया हो, सांप ने मुझे डस लिया हो, इतना दर्द मुझे हुआ है, तो तुम सर्प की योनि में चले जाओ। तब उसकी आंखें खुलती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं कहाँ, कितना अच्छा शासन मैं धरती पर चलाता था और अब मैं फिर से कहाँ पहुंच गया। मनुष्य का जीवन जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उससे एक सांप का जीवन जो धरती पर फिसल फिसल के चलता है, ठीक है, उस योनि में मुझे जाना पड़ेगा। तो तब उसको अपना होश हवाले आते हैं, लेकिन वो जब होश उसका जब वो पीला पड़ जाता है बिल्कुल और उसको दिखने लग जाता है जैसे वो सर्प जैसा ही हो गया है, तो वो एकदम से उसके दिमाग में, उसके जो मस्तिष्क है उसके अंदर एकदम से जैसे चमक आती है, जैसे बिजली सी एक आ जाती है और वो फिर से अपने आप को पहचान लेता है। तो वो गिर तो गया है लेकिन वो उठने की कोशिश करता है। ठीक है, तो गिर के फिर उठना जरूरी है। जिंदगी हमेशा आपको मौका देती है, जिंदगी हमेशा आपको मौका देगी, अगर बार बार मौका देगी, लेकिन उठना तो खुद ही पड़ेगा। ठीक है, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, पैशन पैशन बनाना पड़ेगा, जुनून बनाना पड़ेगा। कुछ पंक्तियां मैं उसकी कहता हूँ, देखिए जिस तरीके से दिया जब बुझने वाला होता है ना, तो वो दिया बुझने से पहले एकदम एक बार चमकता है। तो कवि कहता है कि जिस तरीके से वो जैसे बुझता हुआ प्रदीप्त होता है ना, बुझता हुआ दिया जो होता है वो एक बार तेज हो जाता है, उसी तरीके से जब वो मरता जा रहा था तो एकदम से उसके दिमाग में ज्ञान की रोशनी सी, जैसे दिए में रोशनी बढ़ती है ऐसे बढ़ जाती है। और वो कहता है कि ठीक है मैंने गलतियां की, मेरे ऊपर जो है काम भाव बढ़ गया था और मैं जो है कामदेव के प्रभाव में आ गया था और ऐसी चीजें मुझ में आ गई थी और विलासिता में खो गया था, ये सभी माया में मैं फंस गया था, लेकिन मैं मानता हूँ सब कुछ गलती मानता हूँ पर हार नहीं मानता। आपने कुछ गलतियां पहले की होंगी, आप सभी ने अच्छे से पढ़े नहीं होगी, टाइम किलिंग कर दी होगी, सही से डेडिकेशन से अपने आप प्रति ऑनेस्ट नहीं रहे होगे, सारी गलतियों को मान लीजिए, जो डेडिकेशन नहीं था, ऑनेस्टी नहीं थी अपने लिए, अपनी तैयारी के प्रति, उन सारी गलतियों को तो मान लीजिए लेकिन हार मत मानिए। मानता हूं और सब हार नहीं मानता, अपनी आ गति को आज मैं भी जानता, मेरी जो आने वाली गति है उसको आज मैं भी जानता हूं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कि मैं सर्प बनने वाला हूं। मैं मानता हूं और सब हार नहीं मानता, मानता हूं और सब हार नहीं मानता, अपनी आ गति आज भी मैं जान अपनी आ गति आज मैं भी जानता, आज मेरा भुक्त्योजित हो गया है स्वर्ग भी। आप देखिए जो स्वर्ग मुझे भोगना था वो भी त्योजित हो गया है, वो भी त्याग हो गया है, लेके दिखा दूंगा कल मैं ही अपवर्ग भी। देखिए मानता हूं और सब हार नहीं मानता, अपनी आ गति आज मैं भी आज भी मैं जानता, आज मेरा भुक्त योजित हो गया है। देखिए ये कह रहा है कि मैं आने वाली अपनी गति को मैं भी जान गया हूँ, स्वर्ग को भोग के मैं फिर से गिर गया हूँ, लेके दिखा दूंगा कल मैं ही अपवर्ग भी। इसने कहा फिर से मैं वो अपवर्ग लेके दिखा दूंगा जहां मुझे श्रेष्ठ माना जाता था, तन जिसका हो मन और आत्मा मेरा है। उसने कहा कि चलिए सर्प के अंदर भी चला जाऊंगा, तन जिसका भी हो लेकिन मन मेरा ही रहेगा, आत्मा मेरी रहेगी, चिंता नहीं बाहर उजेला या अंधेरा है, तन जिसका हो मन आत्मा मेरा है, चिंता नहीं बाहर उजेला या अंधेरा है। अगर बाहर उजाला उजाला होगा या अंधेरा होगा कोई दिक्कत नहीं है, तन और मन और आत्मा तो मेरी वही रहेगी, चलना मुझे है बस अंत तक चलना। तो आप सभी को अंत तक चलना है, और अंत कहाँ है, जहां आपकी मंजिल है। ठीक है, चलना मुझे है और अंत तक चलना, गिरना ही मुख्य नहीं मुख्य है संभलना। तो गिरना ही मुख्य नहीं है कि मैं गिर गया जब अब मेरा अंत हो गया लगता है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, यही मुख्य बात, नहीं, गिरना ही मुख्य नहीं
मुख्य है संभलना, अब गिर के संभलना बहुत जरूरी है, मुख्य बात ये है। ठीक है, जो पास्ट, आप अगर आप पास्ट को अपने साथ लेके चलोगे, ठीक है, पास्ट में क्या हुआ तो आपके कंधों पर एक्स्ट्रा बोझ होगा, तो पास्ट को छोड़ दीजिए, आपके पैरों पर इतना वजन नहीं रहेगा और आप ज्यादा तेजी से चल पाएंगे। गिल्ट को खत्म कीजिए और मुख्य बात है संभलिए, जब जागो तभी सवेरा। गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, उसका भी क्या गिरना जो कभी उठा ही नहीं। अगर गिरे हैं तो फिर से उठ जाइए, उसका क्या गिरना है। देखिए आप सभी को मौके मिल रहे हैं तो आप फिर से आगे बढ़िए, फिर से अपने आप को साबित करिए। मैं ही तो उठाता आप गिरता हूं जब भी, उसने कहा, जिस पद पर मैं पहुंच गया था, स्वर्ग के पद पर भी गया था और धरती के एक महान राजा के पद पर भी मैं गया था, लेकिन मैं भी तो शून्य से ही शुरू हुआ था, तो शून्य से ऊंचाई पे गया हूँ, फिर से नीचे आऊंगा, फिर से ऊपर आऊंगा। ठीक है, मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे मेरी क्षमता है इसमें, तो अपनी क्षमता को पहचानिए, आप सभी के अंदर वो क्षमता है, फिर से आप खड़े हो जाएंगे, फिर से अपने आप को साबित कर पाएंगे। फिर भी उठूंगा और बढ़ के रहूंगा मैं, उसने कहा, फिर से उठूंगा। देखिए मैं अभी जो उठा था वो अब गिर रहा हूं, लेकिन गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, मैं ही तो उठा था आप गिरता हूं जो अभी, तो मैं पहले भी उठा था जो अब गिर रहा हूं, और फिर भी उठूंगा और आगे बढ़ के रहूंगा। तो आप सभी को भी आगे बढ़ना है, अगर फेलर को भी हुआ है उसको भूल जाइए, वो पास्ट की बात है, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट में आप है उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। अगर अपने फ्यूचर को बदलना है तो कल नहीं, फ्यूचर में जाके नहीं बदला जाएगा, प्रेजेंट में बदला जाएगा। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, आज आप क्या पढ़ रहे हैं वही कल आपका रिजल्ट निकाल के लाके आएगा। तो अपने रिजल्ट को अच्छा बनाना है तो अपने अपने प्रेजेंट को आज पूरा फोकस कर दीजिए, अनसोशल हो जाइए, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सोशल होने की। आपको असामाजिक कहने लगे, मिलते नहीं किसी से, कमरे में बंद रहते हैं, अपने आपको कमरे में बंद कर लीजिए, डेडिकेशन होके ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आपको ऐसे मोटिवेशन कुछ चीजें बताते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, स्टडी ऑन ट्रैक रखिए, टारगेटेड पढ़िए, टारगेट बना के नहीं पढ़ोगे सफलता नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। टारगेट बना लीजिए, अपना प्लान होना चाहिए कि 3 महीने में मैं कैसे सिलेबस को कवर करूंगा, या 2 महीने में कैसे मैं सिलेबस को कवर करूंगी, और उसके साथ साथ अपना टेस्ट भी जो है अपने आप को देते रहिए, थ्योरी टेस्ट थ्योरी टेस्ट, यही स्ट्रेटेजी बनाइए ताकि आप अपनी कमियां साथ साथ ठीक कर ले, लास्ट में जाके कमियां ठीक नहीं हो पाएंगी। और जब आप बार बार टेस्ट देंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तब तो आपको अपनी कमियां पता चलती रहेगी और सुधार की गुंजाइश भी बन जाएगी। तो इसलिए अपने आप को एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे आगे बढ़ाइए, अपने आप को और ऊपर उठाइए। ठीक है, और आगे बढ़ाइए, बढ़ता ही रहना है, अंत तक बढ़ते ही रहना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए।